नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, अपने चैनल की तीसरी जो है माइलेज टेस्ट की वीडियो आप ये लगा सकते हो। और जो मेरी मैनुअल वाली XUV500 थी, उसकी तो मैंने हाईवे से लेकर और सिटी से लेकर सारे उसके माइलेज टेस्ट मैंने आपको निकाल के दे दिए थे। तो उस गाड़ी ने ना मेरे को बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं करा था और बहुत ज़्यादा कह सकते हो दुखी भी नहीं करा था। पर अब आ चुके भाई मेरे हाथों ऑटोमेटिक वाली XUV500। तो आज ना इसका एक मैं जो अपना माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, और मिक्स टाइप सा रहेगा क्योंकि हल्की सी मेरी सिटी में भी चलेगी और थोड़ा बहुत जो है फरीदाबाद वाले एक्सप्रेसवे पे मेरी गाड़ी चलेगी। पर आपको जाम का सिस्टम पता है दिल्ली NCR में कितना हो रहा है, तो उस वजह से एक हिसाब से ये सिटी का माइलेज टेस्ट ही मानूंगा मैं। और देखो, ARAI की बात करें तो मैनुअल के मुताबिक में ऑटोमेटिक की 3 के एवरेज कम है। ARAI के अगर उस हिसाब से मैं बताऊं तो 3 किलोमीटर पर लीटर की जो है माइलेज ये कम निकालती है मैनुअल से। लेकिन भाई रियल लाइफ में देखो, मेरे को तो इस गाड़ी को लिए अभी 1 महीना हो जाएगा 13 तारीख को, और उसमें हाँ मेरे ख्याल में आज चौथी या पांचवी मैं टंकी फुल करा रहा हूँ इसमें। तो आपको अगर मैं पहले ही बता दूंगा कि ये माइलेज मेरे को पर्सनली कितनी निकाल के दे रही है सिटी में, तो मेरे को रोना आ जाएगा। इसलिए आपको फिर दिखाई देता हूँ एक बार मैं ढंग से। तो अब जब अभी देखो शाम हो रही है, 3:30 बज रहे हैं, अभी 4:15 बज रहे हैं, और अभी टैंक फुल कराएंगे इसका। और अब मैं ऑटो कट वाला काम नहीं करवाऊंगा, ब्रिम टू ब्रिम वाला करूंगा। जाऊंगा करीब करीब, हो सकता है मेरी 200 किलोमीटर की ट्रिप पड़ सकती है ये, 200 नहीं तो 150। और उसके बाद देखूंगा भाई कि क्या कुछ ये गाड़ी मेरे को माइलेज निकाल के दे रही है। और ऑटोमेटिक का देखो यार, हाथ की बात ऑटोमेटिक में नहीं होती, ये अपने आप चलती है, अपने आप गियर बदलती है जब इसका मन करता है। तो इसमें सारा सीन होता है पंजे का, तो जितना वजन मैं पंजे पे रखता हूँ मैं उतना ही रखूंगा। ये नहीं दिखाऊंगा कि भाई मेरे को माइलेज निकालनी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आराम से सलीके से चलाऊंगा। भाई जैसी मेरी ड्राइविंग है मैं वैसे ही चलाऊंगा, उस हिसाब से मैं दिखाऊंगा, क्योंकि उस हिसाब से आपको भी आइडिया बन जाएगा, उस हिसाब से सबको आइडिया बन जाएगा कि आराम से अगर गाड़ी चलाएंगे तो भाई गाड़ी क्या कुछ माइलेज निकालेगी। तो चलते पेट्रोल पंप पे भाई, डीजल फुल अगला तो बहा देगा 89.85 करो भैया। डीजल का रेट तो भाई, टैंक की बात करूँ तो पूरे 75 लीटर की अपनी XUV की टैंक आती है। मतलब मैं ऑटो कट के बाद भी भरवाऊँ तो 75 से कम ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 100-150 किलोमीटर का तेल अभी बच रहा है। पे ऑटो कट पूरी कर दूँ। दो ही लीटर आता है बस ऑटो कट के बाद मशीन। भैया टंकी होगी फुल ऑटो कट के बाद 2 लीटर आता है बस। लो जी हो गया, कहाँ गई यो, बस ठीक है। तो भाई 69 लीटर ओनली टैंक फुल, ट्रिप ए कर दी है 0, और ठीक है ट्रिप ए वहीं चलने दो। इन्फो फुल आ रहा है कितना, जिंदगी में पहली बार आया है 802। गुड, रीसेट कर दे, यहीं से कर, चलो यहीं से कर देते हैं एवरेज भाई, यहीं से रीसेट कर देते हैं और नो पेटी की रहेगी। भाई टैंक हो चुका है फुल, 70 से कम आया है पहले क्योंकि तेल था, पर उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि घूमने फिरने के बाद कितना तेल आता है इस गाड़ी में। और जिस हिसाब से मेरी ड्राइविंग स्किल है भाई, उतना ही चलाऊंगा मैं, भागा दौड़ी करनी नहीं, जाम में कितनी भगा लूंगा। और सिटी माइलेज टेस्ट है, चलो देखते हैं। तो भाई हाईवे पे चढ़ गए और 0 करने के बाद कितनी आ रही है, हाँ आ गई हो का तुम्हें
बढ़ाएंगे इसको, बढ़ाएंगे गाइस, थोड़ा सा और 2 किलोमीटर चले हैं हम और बढ़ गई है माइलेज, 802 से शुरू हुई थी। कोई नहीं भाई, बढ़ा देंगे माइलेज को। ओके भाई, अब हमारी ड्राइविंग आ चुकी है थोड़ी शहर के अंदर और अब है प्लान में बहुत बड़ा चेंज, नहीं बहुत बड़ा तो नहीं है पर ये है कि अब ये सिटी माइलेज टेस्ट नहीं रहा, मिक्स माइलेज टेस्ट हो जाएगा क्योंकि अभी मेरी 50-60 किलोमीटर अभी चलनी है शहर में, फिर 60-70 किलोमीटर अब मेरी चलेगी हाईवे पे, उससे फिर ये बन जाएगा सारे टेरेन का मिक्स माइलेज टेस्ट। उसमें फिर जो एवरेज बेसिकली गाड़ी का होता है, एवरेज होता है भाई मिक्स ड्राइविंग कंडीशन, उसमें आपकी गाड़ी कितना निकाल के दे रही है वो होता है एवरेज, उसमें देखते हैं भाई हमारी एक सीवी कितना निकालने में कामयाब होती है। दबाओ भाई इन्फो इसका बढ़ा देंगे इसकी 19-20 करके पहुंच जाएंगे इसकी। भाई अभी हम खड़े थे ट्रैफिक लाइट पे और यहाँ कितनी गिरी है, हाँ शाबाश, पूरे 1 किलोमीटर की गिरा चुकी है अभी तक और अभी चली है 20 किलोमीटर बस। तो भाई थोड़ा शहर में घूम घाम के और लोगों को पिक करने के बाद हाईवे के ऊपर अब चढ़ चुके हैं हम, थोड़ा शहर में माइलेज कम हुई थी और थोड़ी देर इसने भी चलाई थी, मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो उससे भी हल्की सी माइलेज गिरी तो थी और देख लो भाई 11 की रेंज में आ चुकी है। अब देखते हैं हाईवे पे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, अपना स्पीड इतनी रखूंगा मैं मैक्स 100 मतलब 100-110, 21-22 बार अगर बहुत ज़्यादा हाईवे मेरे को खाली मिल गया तो, और बाकी देखेंगे भाई डिपेंड करता है, मिक्स टाइप सा ही है ये माइलेज रन और चल रहे हैं पहुंचते हैं, रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। गाड़ी अभी तक हमारी चल चुकी है 60 किलोमीटर। ट्रिप के अभी पूरे 100 किलोमीटर हो गए और 100 किलोमीटर में भाई माइलेज अभी मेरी क्या निकाल के देख दे रही है 12.4 और स्पीड यार कुछ ज्यादा खास मतलब 100 तो इक्की दुख की जगह क्योंकि सड़क इतनी खराब थी हाईवे वाली भी, अब थोड़ी सड़क ठीक है और अभी भी मेरा 1 घंटे का सफर है मोटा मोटा, तो अगली जगह पहुंच के वहीं पे रिफ्यूल करवाऊंगा और एचपी का मिल ही जाएगा, एचपी का एचपी के पंप पे ही, जैसे पहले मैंने एचपी पे डलवाया फिर एचपी पे ही डलवा लूंगा क्योंकि घर से तो मैं 100 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, वापस जाना इज डिफिकल्ट। 12.4 सब कुछ तो हो गया की नहीं हो लगदा। तो भाई हमारी ट्रिप कुल रही है अब 123 किलोमीटर गया, मैं जल्दी फिनिश कर रहा हूँ और एचपी का पंप मेरे को मिल चुका है यहाँ पे, ये भैया आ गया डीजल, ठीक है यहाँ अब करवाएंगे हम वापस टंकी फुल। अब माइलेज जो है आखिर में दिखा रही है हमें 12.4, उठी नहीं 12.4 से, अरे 734 से आगे पीछे नहीं हुई। तो भैया माइलेज टेस्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट, तेल आया है कुल कितना 10 लीटर, 10 भी नहीं आया, 9.98 आया है, 10 ही लगाओ, केवल 900 रुपए का तेल लगाया। और भैया कैलकुलेटर खोलो जरा, खोलो भैया,
123.1 डिवाइड बाय 9.98 बस भैया 12.33 और 12.3 वाह जी वाह, बिल्कुल एक्यूरेट दिखाती है महिंद्रा, कद्दू महिंद्रा, वो पिछली वाली नहीं दिखाती थी एक्यूरेट। तो भाई 123 किलोमीटर की हमारी, जिसमें हाईवे भी क्या ही गिनू मैं, सड़क इतनी खराब थी, ब्रेक ही ब्रेक उल्टी ली। तो भाई हाईवे भी मैं क्या ही रन मारूं, हालांकि था अच्छा खासा, लेकिन सिटी का भी मेरा ज्यादा था हाईवे वाले से। और हाईवे में मतलब 100 ही चली थी गाड़ी, या तो खुला रास्ता तो 100 चली थी, वरना फिर ब्रेक ही ब्रेक चले थे। और माइलेज निकल के आई भाई 12.3 यहाँ दिखा रही है, एग्जैक्ट एक्यूरेटली 12.3 भाई माइलेज निकल के आई है 12.33। और भाई देख लो इतनी देती है, ठीक थी मतलब, यूं नहीं बहुत ज़्यादा कम, पर और निकाल सकती थी, पापा होते तो और निकाल लेते। खैर भाई ये थी कुछ आज की वीडियो, ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगे ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक ले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और जरा रोड पे आने दो, और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।